आईपीएल 2025 में एक फ्रेंचाइजी कितने प्लेयर्स रिटेन कर सकती है, कौन सा खिलाड़ी किस टीम से खेलेगा और आखिर किन प्लेयर्स पर बरसेगा पैसा ही पैसा। इस साल होने वाला मेगा ऑक्शन बेहद खास रहेगा, लेकिन उससे पहले सभी 10 टीमें रिटेंशन लिस्ट पर काम कर रही हैं। उम्मीद यही है कि अक्टूबर की शुरुआत तक सभी टीम्स रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट रिलीज कर देगी। लेकिन एक टीम कितने प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, इसका जवाब अभी तक बीसीसीआई ने नहीं दिया है और हर कोई बीसीसीआई की रिटेंशन पॉलिसी का इंतजार कर रहा है। और इस पॉलिसी के लिए सबसे ज्यादा बेताब है सीएसके, जिसे एमएस धोनी के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लेयर्स रिटेन करने हैं। वैसे देखा जाए तो बीसीसीआई भी धोनी फैक्टर ध्यान में रखकर किसी नतीजे पर पहुंचेगी। हालांकि क्रिकेट के गलियारे में चल रही बातों की माने तो सीएसके ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन करते हुए लिस्ट तैयार कर ली है। सीएसके की रिटेंशन लिस्ट में शामिल है ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मतीजा पतराना और एमएस धोनी। नहीं है तो दीपक चहर, डिवेन कॉनवे, डेरल मिचेल और महेश थीक्षणा जैसे खिलाड़ी आईपीएल 2025 में धोनी खेल सकें, इसके चलते सीएसके अपने कुछ अहम खिलाड़ियों को शामिल नहीं कर रही है। बीसीसीआई के रूल के मुताबिक अगर किसी प्लेयर को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो उन्हें अनकैप्ड प्लेयर की श्रेणी में रखा जाता है, और धोनी ने 2020 में रिटायरमेंट ली थी। ऐसे में सीएसके भले ही धोनी को रिटेन करे, लेकिन उन्हें सबसे कम सैलरी स्लैब में रखा जाएगा। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक किसी भी तरीके की पॉलिसी पर हरी झंडी नहीं दिखाई है और सभी को उनके फैसले का इंतजार है, और इसके बाद ही सीएसके समेत और दूसरी टीम्स ऑफिशियली अपनी रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट रिलीज करेगी। अब इस बात से भी हर कोई इंतफाक रखता है कि धोनी के रहने से आईपीएल का मजा दोगुना होता है, स्टेडियम खचाखच भरा रहता है और आईपीएल को भी काफी फायदा होता है। तो क्या आप भी चाहते हैं धोनी को एक बार और खेलते देखना? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और क्रिकेट की ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को।